बहुत बड़ा संकट है। ठीक है, किसी को नहीं है, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस वन लास्ट क्लास में बात किए थे अपन। देखो टू बी क्लियर, इस चैप्टर में प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस करो, जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, क्लैरिटी उतनी अच्छी आएगी। बहुत सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल पढ़ना है ये। ठीक है, तो सर आप आपको एक बार सबका आंसर बता दो सो डेट हम लोग कंफर्म हो जाए कि हमारा आंसर सही है। ठीक है हर्ष, तो मैं लास्ट में एक बार सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है? तो उसके लिए चिल करो। सॉल्व किया नहीं हुआ तो उस पर बात कर रहे हैं अपन अभी, लास्ट में मैं सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, चलो फाइन। सो ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने होमवर्क दिया था, आई गेस आप लोगों ने अटेम्प्ट किया और उम्मीद करता हूँ कि सॉल्व हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो लास्ट में अपन 15-20 मिनट में इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसके अलावा अभी तक जितने भी टॉपिक्स, बहुत कम टॉपिक्स अभी हमने पढ़ा है, बट उस टॉपिक से आसपास से जितने भी जेई में क्वेश्चंस आए हैं, नीट की बात नहीं कर रहा फिलहाल, जेई की बात कर रहा हूँ, कि जेई में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को अभी हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने जितना पढ़ा है उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जो जेई का जो दिमाग में रहता है कि मतलब बहुत बड़ा सा पढ़ो, मतलब बहुत हेवी हेवी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हवा टाइप का चीज है, तो देखते हैं कि कैसे जेई के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? चलो सो अभी तक जितना टॉपिक पढ़ा उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला आपके पास ये क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बोलता है कि विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। आपको ये निकालने आता है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं, सो आई गेस कि आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। तो फटाफट से अटेम्प्ट करो और आंसर बताओ। दो तीन क्वेश्चन ट्राई करेंगे, दो तीन होमवर्क रहेगा, उसके बाद अपन थ्योरी पे आ जाएंगे, पढ़ने पे आ जाएंगे, ठीक है? बट एक आइडिया के लिए ये क्वेश्चन है, तो फटाफट से सॉल्व करो और मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा केस है जिस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है? सो बहुत लोगों ने आई गेस बिना पेन पेपर उठाया सॉल्व कर लिया है और आंसर भेज दिया है, सो मैं देखता हूँ आंसर। और श्रेयान सही है, ऋषंग सही है, गुलशन सही है, रौनक सही है, हर्ष सही है, ठीक है, ओके, अर्णव सही है, बिल्कुल। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सन्नी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या बोलता है कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे? अरे भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ही तो अपने को निकालने, क्या करेंगे हम? एक फॉर्मूला जो हमने शॉर्ट ट्रिक वाइज देखा था क्या था, सो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी बोलो मोल वाला फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई एन ए इक्वल्स टू मास बाई मोलर मास, ये हमने देखा था, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, बोला है कि मैक्सिमम नंबर, नंबर ही तो चाहिए, ये चीज अपने को चाहिए, ये अपने को पता है, 6.02 to 10^23 यूज नहीं भी करो तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मास दिया हुआ है, मोलर मास, देखो कितने जेई वाले कितने अच्छे हैं यार, उन्होंने मोलर मास भी ब्रैकेट में करके दे दिया है। हम बोलते हैं जेई वाले बहुत गंदे होते हैं, देखो कितने अच्छे लोग हैं कि अगर मोलर मास हालांकि याद होना चाहिए बट स्टिल उन लोगों ने ब्रैकेट में करके दे दिया, ठीक है। तो सारे केस में मास पता, मोलर मास पता, एनए पता, बताओ नंबर निकालने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ये सोच रहे हैं जेई इतना आसान क्वेश्चन पूछता है तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है, बहुत कम लोग या मार्क्स क्यों कम आते हैं या क्वेश्चन कम क्यों हो पाता, तो उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि आप पूरे सिलेबस को एक साथ लेके नहीं चल पाते अगर आपने सही तरीके से रिविजन नहीं किया है। तो अभी पढ़े हो इससे ताजा ताजा तो लग रहा है उड़ा दो इसको, लेकिन जब यही क्वेश्चन आपको अगर 6 महीने बाद पूछा जाएगा तो जिन लोगों ने रिविजन नहीं किया, बहुत भले ही बहुत अच्छे लेवल से पढ़े हो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किए हो, बट रिवीजन नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, देन इट विल वैनिश, ठीक है। चलो फाइन, सो ये अपने पास कहानी हो गई एक सिंपल से क्वेश्चन की। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है कि सिंपल था, बट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो नेक्स्ट बोलता क्या कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है, 2006 में पूछा हुआ, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करो, कोई भी जल्दी नहीं है, करो सॉल्व, कोई जल्दी नहीं है।
टाइम टेकिंग हो सकता है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, बट अल्टीमेटली जेई का क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे तो मजा आएगा, सॉल्व होकर आंसर आ गया तो। और कोई ऐसा इसको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो हैंड रेज करके पूछ लो, तो भैया हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, पूछ क्या रहा है, मैं फिर से समझा रहा हूँ क्वेश्चन जिसको समझ नहीं आया। बोलता क्या है कि मैं कितने मोल्स मैग्नीशियम फॉस्फेट लूं कि मुझे ऑक्सीजन जो है वो 0.25 मोल मिल जाए, ठीक है, मैं कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट लूं कि ऑक्सीजन मुझे 0.25 मोल मिल जाए। सोचो इस क्वेश्चन को, मतलब लॉन्ग मेथड, शॉर्ट ट्रिक, जैसे सॉल्व करना है करो, इट्स योर चॉइस यार, ठीक है, बट सॉल्व होना चाहिए, पॉइंट ये है। गुड सनी, एक आंसर आ चुका है, अपोलो क्या है यार, आदित्य यार ऐसे कैसे नाम लिखते हो, पता नहीं चलता, आदित्य गड़बड़ है बाबू, और इशू फर्स्ट क्लास है, अच्छा जिनकी फर्स्ट क्लास है वो परेशान नहीं हो, वो बिल्कुल चिल रहा हो, क्योंकि ये चीजें मैंने पढ़ाई हैं इसलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिनकी फर्स्ट क्लास है वो आराम से चिल होकर बैठो, जब अभी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें ध्यान अच्छे से देना, ठीक है, बाकी क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं हो। मानस गलत है, फिर से देखो, कोमल बिल्कुल सही है बेटा, वेरी गुड, चलो ठीक है, ओके फाइन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है बहुत आसानी से, कुछ बोल रहे हो, रौनक सही है, अमृता सही है, अमृत सही है, क्या बात है यार, मतलब मैं सॉल्व करने जा रहा था तो आंसर सामने, चलो ठीक है, मैं 2 मिनट और वेट करता हूँ, देखते हैं। अंशु सही है, गुलशन सही है, उज्ज्वल सही है, क्या बात है, अब तो लगता है डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, सो मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। एक चीज मैंने बहुत मोल के स्टार्ट में मैंने बोली थी कि मोल और डजन में कोई फर्क नहीं है, दोनों के सॉल्व करने का तरीका, दोनों के पीछे लॉजिक लगने वाला है, जो सब कुछ सेम है, बस फर्क एक जगह है कि वहां जहां 12 होता है यहाँ एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है। चलो उस चीज को मैं अप्लाई करता हूँ, देखते हैं कि क्या ये सच में वैलिड है कि नहीं, और ये जेई का क्वेश्चन है यार, ठीक है, तो लेट्स सी कि उसमें वैलिड है कि नहीं है, ठीक है, और यहाँ तो खैर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अपने पास बोला है कि मैग्नीशियम फॉस्फेट एक कंपाउंड है, ये मैं कितने मोल्स लूं, हाउ मेनी मोल्स मैं लूं कि मुझे 0.25 मोल्स ऑक्सीजन मिले। मैं इसको डजन वाले कहानी में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा जिन लोगों ने सॉल्व किया उनको लग रहा होगा पता नहीं क्या ही जरूरत है, बट ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए जरूरत है। चलो सो मैग्नीशियम फॉस्फेट को आप कैसे ट्रीट कर सकते हो, तो इसको मैं पैरेलल एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक पैरेलल चीज बनाता हूँ, और मुझे बताना कि ये चीज समझ नहीं आई, ठीक है। चलो सो मान लो मेरे पास एक डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा है, काइंड ऑफ ये डब्बा है, और इस डब्बे में कहानी ऐसी है, इस डब्बे में कहानी ऐसी है कि इसमें 2 मैग्नीशियम के एटम है, तो मैं देखो ऐसे बना रहा, ऐसे बंद कर रहा हूँ, ये 2 ले लिया मैंने, येलो येलो, इस लाइक 2 मैग्नीशियम की ज्यादा बढ़ाई, ठीक है,
चलो छोड़ो, मैं थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके बनाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा टाइम टेकेंगे बट देखो मजा आएगा इससे, ठीक है? ओह भाई, जिनको समझ में आ गया उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो, सो मान लिया कि इसमें देखो, इसको ध्यान दो, अपने को इस मॉलिक्यूल में कहानी कैसी है, तीन मैग्नीशियम के एटम है, सो हम क्या करेंगे, इस डब्बे में तीन मैग्नीशियम के एटम बना लिया, एक दो तीन, तीन मैग्नीशियम बना लिया। फास्फोरस कितना है अपने पास, तो हमको दिख रहा है कि पूरे के ब्रैकेट के ऊपर टू लगा हुआ है, मतलब दो फास्फोरस के एटम है, ये तो क्लियर। और ये चीज हम स्टार्ट में भी पढ़े थे, स्टार्ट में भी कुछ क्वेश्चन किए थे हम, ठीक है? सो हम दो फास्फोरस बना लेते हैं, ये दो फास्फोरस है। और मुझे ये बता दो फटाक से मैसेज में कि एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम कितना है मेरे पास, जल्दी से बताओ तो मुझे कितना है, फटाफट से बताओ तो कितने ऑक्सीजन एटम है इस मॉलिक्यूल में, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है? ऋषांक, अमृत, विवेक, उज्जवल, गुलशन, आंसर आ गया, सन्नी गड़बड़ है, श्रेयांश गड़बड़ है, आयुष, हर्ष, एक मॉलिक्यूल में कैसे कैसे आ रहे हैं, सनी सही है, रौनक सही है, श्रेयांश सही है, ठीक है? देखो इसके ऊपर मानस, ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर फोर है एंड दिस इज टू, तो मेरे पास फोर इंटू टू, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई करना, ठीक है? सो अपने पास टोटल कितने एटम है ऑक्सीजन के भैया, तो एट एटम्स हैं ऑक्सीजन के अपने पास, ठीक है? सो भैया फटाफट से यहाँ ऑक्सीजन के एट एटम्स बना लेते हैं अपन। ब्लू हो गया, कौन है भाई, ऑडियो ऑफ कर लो यार, उज्ज्वल ऑडियो ऑफ कर लो बाबू, ठीक है? सो हम ऑक्सीजन के एट एटम्स बना लेते हैं यहाँ पे। आप चाहते तो इसको फ्रूट्स भी ले सकते थे, कोई मना नहीं है, ठीक है? तीन 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 दो पांच छह सात आठ, ठीक है? चाहो तो इसको फ्रूट एज ए फ्रूट ले लो कि भैया कोई एप्पल है, कोई मैंगो है, कोई बनाना है, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सो दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज फॉस्फोरस, दिस इज ऑक्सीजन के एटम्स, ठीक है? ये सारे ऑक्सीजन के एटम्स है, ओके? सब पे बना ही दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है बट ठीक है, फाइन। चलो अब अपने को बोलता क्या, ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला है कि ये वाले मॉलिक्यूल मेरे पास कितने मोल्स होंगे, तो मेरे पास ये इतना मोल मिलेगा। अच्छा एक काम करते हैं यार, मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मान लो कि ऐसे ऐसे कुछ मिठाइयों के सेट है, ये पी से मान लो कोई मिठाई है, एमजी से कोई मिठाई है, वो देखे हो ना दुकान पे जाते हो तो वो देखे होगे कि यार एक चीज क्या होता है ना, वो एक सेट देता है, उस सेट में ना काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता सब कुछ होता है, तो समझ लो ये काइंड ऑफ वैसा ही सेट है। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, मैं बोल रहा हूँ कि बताओ मैं ऐसे कितने सेट लूंगा, मैं ऐसे कितने सेट लूंगा कि मेरे पास ये जो ग्रीन वाला जो फ्रूट है, जो ऑक्सीजन है, तुम इसको कोई फ्रूट मान लो, ऑरेंज मान लो, ग्रीन वाला इज लाइक ऑरेंज, ठीक है? नहीं, अमरूद मान लो, ठीक है, गुआवा मान लो, ठीक है, ग्रीन वाला, तो बोलता है क्या कि मैं कितने डजन ध्यान दो, मैं कितने डजन ये वाला सेट लूं ताकि मेरे पास टोटल जो गुआवा के डजन है, ध्यान देना, जो गुआवा के डजन है वो 80 डजन आ जाए, मैं कितने डजन ये लू, मैं ये कितने डजन बास्केट लू कि मेरे पास गुआवा 80 डजन आ जाए, कितना डजन लेना पड़ेगा मुझे, एक बास्केट में 8 है, मैं कितना बास्केट लू, कितना डजन बास्केट लू कि मेरे पास 80 डजन गुआवा हो। सो हम ये तो कह सकते यार, अगर आपको 80 डजन चाहिए तो आपको पता है कि 1 डजन में ये कितना, एक बास्केट में ये अपने पास 8 है, ठीक है? सो भैया 1 डजन में ये कितना आएगा, 8 डजन, हमको 80 चाहिए, मतलब हमको कितना लेना पड़ेगा, 10 डजन लेना पड़ेगा। सेम लॉजिक यहाँ पे लगा दो, सेम लॉजिक, कुछ भी अलग नहीं है। क्या बोला, बोलता क्या है कि बताओ मैं कितना डजन लू, ध्यान देना, मैं ये बास्केट कितना डजन लू ताकि मेरे पास जो ग्वाभा है, ये जो ग्रीन वाला जो फ्रूट है वो मेरे पास आ जाए, मैं कितना डजन लू, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा इन्वर्स कर दिया, ये मैं कितना डजन लू मुझे नहीं पता, ये एक्स मान लिया, सो मैं कितना डजन ये ले लू कि मेरे पास ये भाई साहब जो है ये 0.25 डजन आ जाए, मैं कितना डजन लू कि ये मेरे पास 0.25 आ जाए, तो हम नहीं कह सकते कि भैया ये 0.25 डजन तब आएगा जब एक्स इंटू 8 करोगे, क्योंकि एक डजन में जितना भी आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा,
सो भैया x इंटू एट जब कीजिएगा, x इंटू एट इक्वल्स टू 0.25, तो x इक्वल्स टू 0.25 बाई 8 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 3.125 इंटू 10 रेज टू माइनस टू। ठीक है, सो ये कहानी है, आप चाहो तो इसको डजन से, चाहो तो इसको मोल से, जैसे मन वैसे सॉल्व कर सकते हो, कोई मना नहीं है, इट्स योर चॉइस, जैसे जा सकते हो। ठीक है, सो ये आपके पास कहानी हो गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, कुछ और भी क्वेश्चन है उनको मैं दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन एक है, आसान सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे करना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, अपन आगे बढ़ेंगे सिलेबस में, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आराम से घर पे करना, जो पढ़ाया है उतने तक ही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जेई का ही क्वेश्चन है दोनों, ये 2005 का पूछा हुआ है एंड दिस वन मैं मिस कर गया, 2002 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपने टॉपिक्स पढ़े उनके रिगार्ड में क्वेश्चंस हैं ये सारे। ठीक है, चल ये भी आपका पुराना, बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम किए हुए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे करना, कोई टफ नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो सो ये अपने पास कहानी हो गई यहाँ तक क्वेश्चंस की। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन, कि भैया परसेंटेज कंपोजिशन क्या चीज है। ठीक है, एक नया टॉपिक, इसका पुराने टॉपिक से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, इसके पुराने टॉपिक से कोई भी लेना देना नहीं है, तो जो भी न्यू स्टूडेंट है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, पुराने टॉपिक से इसका कोई टच नहीं। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब परसेंटेज कंपोजिशन क्या चीज है, तो ऐसे समझो, मान लो कि मेरे पास, मैंने कोई चीज खाना बनाना है मेरे को, ठीक है, मान लो मेरे पास खाना बनाना है और मैंने खाना बनाया है, वो जो खाना है वो दो तरह की चीजों से, दो सब्जियों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब वो दो सब्जियां काइंड ऑफ, मान लो कि कुछ ये हरा वाला टाइप का कोई सब्जी है, ठीक है, और मान लो कुछ ब्लू वाला टाइप का सब्जी है, इन दोनों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन ये कहता है कि इस पूरे सब्जी में ब्लू वाले का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, तो कहता है कि ब्लू वाला जितना परसेंट बाय मास है, ध्यान से सुनना, वो जितना परसेंट बाय मास उस सब्जी में है, दैट इज उसका परसेंटेज कंपोजिशन। ग्रीन वाले का परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, ग्रीन वाले का परसेंटेज कंपोजिशन इज लाइक कि ग्रीन वाला जितना परसेंट पूरे में है, दैट इज उसका परसेंटेज कंपोजिशन। थोड़ा डेटा ले लेते हैं, मान लो कि अपने पास ऐसा था कि जो ब्लू वाला था ये था अपने पास मान लो 200 ग्राम और ये जो ग्रीन वाला था ये मान लो था 800 ग्राम सब्जी में। ठीक है, बोला कि बताओ ब्लू वाले का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। ठीक है, ब्लू वाला कितना परसेंट है अपने पास, तो भैया ब्लू वाला कितना परसेंट है, तो 200 ग्राम है डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है, तो 800 प्लस 200 दैट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसको सॉल्व किया दैट इज द 20%। मतलब इस पूरे सब्जी में 20% जो है वो ब्लू वाला है, रिमेनिंग जो 80% है दैट इज द ग्रीन वाला। सिंपल डेटा लिया ताकि कैलकुलेशन में समस्या ना हो। ठीक है, सो दिस इज सिंपली द परसेंटेज कंपोजिशन। अब ये तो हमारे डेली लाइफ की बात हो गई, हम केमिस्ट्री में क्या बोले परसेंटेज कंपोजिशन, कुछ अलग थोड़ी होगा, किसी भी कंपाउंड में कोई चीज कितना परसेंट है, जैसे यहाँ लॉजिक लगाया वैसे वहां लॉजिक लगाना है। तो चलो भैया परसेंटेज कंपोजिशन का मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअल वही है। ठीक है, सो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देना, परसेंट कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मास ऑफ गिवेन एलिमेंट जिसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हो, ठीक है, तो मास ऑफ गिवेन एलिमेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, मोलर मास की जगह आप चाहो तो मास भी लिख लोगे ना, कि मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
सिर्फ मास ऑफ कंपाउंड में लिखोगे तो कोई समस्या नहीं है, मोलर मास लिखना जरूरी नहीं है। अब जरा समझते हैं कि भैया इसका केमिस्ट्री में कैसे एप्लीकेशन है। सो मुझसे बोला गया, सिंपल सी ये कहानी है, मुझसे बोला गया कि मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहीं पे, फिर आगे सॉल्व करेंगे और भी एग्जाम्पल। बोलता क्या है कि मेरे पास एक कंपाउंड है एसओ टू, तो क्वेश्चन क्या है, देखो इन कंपाउंड एसओ टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर। आपसे ये मेंशन करके हमेशा बोलेगा कि भैया परसेंटेज कंपोजिशन किसका बताना है, जैसे उस सब्जी में बोला था ना ग्रीन वाला ब्लू वाला, तो चलो भैया सल्फर का परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे बताएंगे, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, फिर आगे आप सॉल्व कीजिएगा। सो भैया इसको सॉल्व कैसे करें, सो मेरे पास फॉर्मूला पता है परसेंटेज कंपोजिशन का क्या है भैया, तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला अपने पास ये है, कंपोजिशन का फॉर्मूला अपने पास है, परसेंटेज कंपोजिशन का अपने को फॉर्मूला है मास ऑफ द गिवेन एलिमेंट। सो भैया गिवेन एलिमेंट का मास, अब देखो इस कंपाउंड में सल्फर का पूछा, सल्फर के कितने एटम है, एक, दो होता तो हम दो लेते, चार होता तो चार लेते, क्योंकि सब्जी में भी तो बहुत सारे थे टुकड़े टुकड़े, तो मेरे पास एक सल्फर एटम है, ठीक है। सो भैया एक सल्फर एटम है तो उसका मास कितना होगा, सो हमको पता है एक सल्फर एटम का मास कितना होता है, 32, ये तो हमको पता है 32 होता है, डिवाइडेड बाई मोलर मास, या ऐसे बोल लो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, ठीक है। चलो भैया पूरे कंपाउंड का मास कितना होगा, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 2, याद करो भैया 16 होता है, ठीक है, तो 16 × 2 दैट इज सेम, ठीक है, तो 32, सल्फर 32 ऑक्सीजन 32, तो भैया 32 प्लस ये सल्फर का 32 पूरा मोलर मास आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लिया, इसको जैसे सॉल्व किया तो दैट इज 32/64×100 और दैट विल बी 50%। अगर इसी तरह से इसमें ऑक्सीजन का पूछता तो क्या करते, तो ऑक्सीजन का मास कितना लेते अपन, वो भी लेते 32, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कितने एटम है, दो, एक एटम का मास है 16, दो का 32, दैट इज 32/64×100। तो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है, परसेंटेज कंपोजिशन जो डेली लाइफ में देखते हैं वही है, कुछ अलग नहीं है, बस केमिस्ट्री में डराने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में कंपाउंड और कंपाउंड का नाम देके दे देता है। किसी को भी ये समझ नहीं आया तो मुझे बता दो कि भैया ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या चीज है, हमको तो समझ ही नहीं आया, जादू हो गया हमको, ऊपर चला गया। नए वाले पुराने वाले कोई भी हो, जो भी है, नए वाले बच्चे हो या पुराने वाले बच्चे हो, अगर किसी को भी ये समझ नहीं आया तो मुझे बता दो कि भैया हमको ये समझ नहीं आया, जादू हो गया, कोई भी किसी को भी ये समझ नहीं आया, जादू हो गया, तो फटाक से बता दो भैया हमको जादू हो गया, ये चीज हैंड रेज कर दो या फिर मैसेज कर दो, गुड रिशु, डन है। चलो सो ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। चलो सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन फटाफट से, ठीक है। सो आपके पास ये क्वेश्चन है, बोलता क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट में तीनों ही एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तीनों का निकालना है। सो पहले आप कैल्शियम का निकालिएगा, पहले आप कैल्शियम का निकालिएगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, मुझे पता है सबको आ गया है, बट आप निकालिएगा, फिर परसेंटेज कंपोजिशन निकालिएगा कार्बन का, देन आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालिएगा ऑक्सीजन का। सो सबसे पहले सब कोई सिर्फ और सिर्फ आंसर देंगे अभी कैल्शियम वाला, तो फटाफट से बेटा फर्स्ट का आंसर दे दीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए, कोई भी सेकेंड और थर्ड का आंसर नहीं दीजिएगा, जब बोलूंगा तो दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन बताइए फटाफट से क्या होगा, और जिसको नहीं समझ में आया कैसे सॉल्व करना है वो भी मुझे बता दो भैया हमको समझ नहीं आया। गुड सनी, कैसे सॉल्व करना है हमको समझ नहीं आया, नए वाले पुराने वाले जो भी है, किसी को भी अगर समस्या है, प्रार्थना एक न्यू स्टूडेंट थी, प्रार्थना बेटा समझ आ गया क्या? जी सर। सॉल्व होगा? हाँ सर। तो सॉल्व करके आंसर भेजिए। श्रेयांश गलत है, अगर किसी को मोलर मास एटॉमिक मास में समस्या है तो पूछ सकते हो, बट मैंने बोला था कैल्शियम तक याद करने के लिए। अर्णव गलत है, उज्जवल गलत है, क्रिश सही है, आसान सा है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ऐसे गलती नहीं किया, नहीं करो।
सीए का मास क्या होता है? सीए का एटॉमिक मास होता है 40। ओके उज्जवल, ठीक अंशु सही है। मृगंक ठीक है, लेकिन मैंने एक का पूछा था। वैसे ये किसका भेजा? सेकंड वाला गलत है मृगंक, मतलब सीक्वेंस गलत है। ऐसे आंसर सही है, सीक्वेंस गलत है। ठीक है, अमृत गलत है, गुलशन सही है, उज्जवल सही है, श्रेयांश सही है। गुलशन पहले ए का ही बोला है बेटा, बी सी नहीं भेजो अभी। हाँ मृगंक अब सही है, अमृता ठीक है, प्रार्थना बेटा अभी भी आंसर नहीं आया आपके, ऋषंक ठीक है। ओके हम तो नहीं मानेंगे, हम तीनों का भेजेंगे। चलो ठीक है, लिख के भेजा तो ठीक है, ऐसे करके भेजा तो, वरना एक एक करके भेजते हो ना तो समस्या होता है। तीनों एक साथ भेज दिए तो दैट्स फाइन। देखो देखो गुलशन बाबू, एक एक करके नहीं भेजो, तीनों भेजो दैट्स ओके, ऐसे पता ही चलता है यार किसका बोल रहे हो। वैसे ठीक है अभी समझ में आ गया सी। चलो बहुत लोग नहीं बताते यार, उसमें समस्या आती है, इसलिए मैं बोलता हूँ एक एक करके भेजो। अंशु गलत है थर्ड का, उज्जवल सही है। चलो सो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ लोगों ने आई गेस कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। सो बोलता क्या है कि भैया कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन बताओ। क्या है माँ फर्जी है, कैसे बताना अपने को कैल्शियम कितना परसेंट होगा भैया? तो कैल्शियम का एटॉमिक मास ले लो, कैल्शियम का मास कितना है भैया 40, टोटल मास कितना है तो मोलर मास कितना है, ये भाई साहब 40, ये भाई साहब 12, और ऑक्सीजन भाई साहब कितने हैं, 3 ऑक्सीजन के एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा भैया, सो 16 × 3 दैट इज 48। ठीक है चलो, सो यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं अपन, 40 + 12 + 48 ठीक है मल्टीप्लाइड बाई 100, और बड़ा किस्मत से ऐसा फील होगा कि वाह ये कैलकुलेशन तो मजा आ गया करने में, जीवन का कष्ट ही निवारण हो गया। इसको सम करने पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो इसको सम करोगे तो जैसे 100 आया तो ये 100 कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमको तो एक बात सीधे सीधे समझ में आ गई इस क्वेश्चन में, यार परसेंटेज कंपोजिशन जब हम निकालने जा रहे थे तो समझो ठीक है, आंसर किसका क्या आ गया 40 आ गया, 40%। सो हमको ये दिख गया कि जो मास है वही परसेंटेज कंपोजिशन आएगा, क्यों? क्योंकि इसका मोलर मास भी क्या है 100 है। ठीक है बाकी सब में अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, कोई मना नहीं है। सो सेम फॉर्मूला लगाओगे, सो ये हो गया 40, सेम लॉजिक पे बोलो, सो दैट दिस विल बी द 12%, क्योंकि एक कार्बन एटम है, कार्बन का मास कितना होता है 12, एंड दिस विल बी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना है यहाँ पे 48, तो दिस विल बी 48%। ठीक है सो ये तीनों आंसर हो गया 40, 12 and 48। कोई ऐसा जिसको इस पूरे कहानी में समस्या है तो मुझे बता दो, कहीं पे भी लगता है कि भैया ये तो जादू हो गया, ये तो समझ नहीं आया। ठीक है चलिए नेक्स्ट आते हैं, ठीक है सो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो बोलता क्या है कि NaCl में बताओ कि भैया परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Na क्या होगा। शुरू हो जाओ, Na का परसेंटेज कंपोजिशन फटाफट से बताओ कि Na का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा। अप्रोक्सीमेशन अगर आपको थोड़े बहुत लेने हैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में तो ले सकते हो, कोई मना नहीं है, अप्रोक्सीमेटली भी बताओगे तो चलेगा। इसमें कैलकुलेशन है, टाइम लग सकता है। ठीक है ऋषांक बिल्कुल सही, उज्जवल सही है, अप्रोक्सीमेटली ठीक है बिल्कुल। ओके
अंशु सही है, सनी गड़बड़ किए हो, अमृत ठीक है, गुलशन ठीक है, श्रेयांश ठीक है, अर्नव थोड़ा गड़बड़ ठीक है, मतलब थोड़ा और कैलकुलेशन सही करो, ठीक है आंसर सही है, कोई मतलब पास में हो मुझे पता है सही किए हो, ठीक है, बट थोड़ा कैलकुलेशन को इतना भी कुछ ज्यादा ही लग रहा है, अप्रोक्सीमेशन ले लिया है, ठीक है हर्ष, ठीक है हर्ष ने भी थोड़ा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, रौनक ठीक है, चलो क्रिश ठीक है, ओके सो परसेंटेज कंपोजिशन, रिशु गड़बड़ है, रिशु कैसे किया, रिशु ऑडियो ऑन करके बताओ तो बेटा जरा, रिशु ऑडियो ऑन कीजिए बेटा, बताइए कैसे किया, ये गलती क्यों हुई है जरा जानू मैं, नहीं हम तो नहीं बताएंगे, प्रार्थना आपके आंसर नहीं आया बेटा, और भी बहुत लोग आंसर नहीं आया है, ओ भाई मोलर मास याद नहीं है, रिशु मोलर मास याद नहीं है, मैं बता देता हूँ, सोडियम इज 23, क्लोरीन इज 35.5, पूछ लेते हैं, ठीक है मेरी गंग कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, ठीक है दोनों सही है, विवेक कुछ ज्यादा ही अप्रोक्सीमेशन ले लिया, चलो ठीक है ओके, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ फटाफट से, सो भैया आपने को क्या बोला, आपने को बोला है कि सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन बताने के लिए, ठीक है सो कंपोजिशन बताना है, किसका बताना है अपने को, सोडियम का बताना है, सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन, चलो भैया सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से, सोडियम का परसेंटेज कंपोजिशन, सोडियम का एटॉमिक मास 23, पूरे मॉलिक्यूल का मास तो 23 प्लस 35.5 क्लोरीन का होता है, और हमको ये भी पता है क्यों होता है, लास्ट क्लास में देखे थे हम एक चीज कि उसके आइसोटोप्स होते हैं तो उसके वजह से होता है, ठीक है मल्टीप्लाइड बाई 100, सो जैसे इसको आप सॉल्व करोगे सो दैट विल बी 23 अपॉन 58.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको सॉल्व करने पे अप्रोक्सीमेटली 39 पॉइंट समथिंग आएगा, बट ठीक है अप्रोक्सीमेटली अपन इसको ले सकते हैं 40%, ठीक है सो जिन्होंने 39 38 40 41 तक भी कुछ बोला है सो दैट इज करेक्ट, ठीक है चलो सो ये अपने पास कहानी होगी परसेंटेज कंपोजिशन की इन सोडियम सॉरी ऑफ सोडियम किसी भी कंपाउंड में, अब कैसा भी आपको टफ कंपाउंड दे, कैसा भी दे दे, कोई कॉम्प्लेक्स सा मॉलिक्यूल दे तो आप निकाल सकते हो, ठीक है एक क्वेश्चन में दे दे रहा हूँ लिख के, आप इसको आराम से घर पे ट्राई करना, ठीक है चलो सो यहां मैं लिख के दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन पीसी मतलब परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है ध्यान रखना, ऑफ ऑक्सीजन इन गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है ये आपका होमवर्क रहेगा, मॉलिक्यूल मैं यहां लिख दे रहा हूं, उसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ठीक है सो ये छोटा सा फॉर्मूला है, डेफिनेटली छोटा नहीं है, ठीक है ये एलएम का फॉर्मूला होता है जो जिसको आप फिटकरी जानते हो, ठीक है तो ये फिटकरी का फॉर्मूला है, सो आपको इसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, ठीक है होमवर्क है आराम से घर पे करना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज K2SO4Al2SO4 ठीक है आराम से इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, चलिए सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है सो सबसे पहली चीज की एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला किसको बोलते हैं, ठीक है सो देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है कि वो फॉर्मूला दैट एक्सप्रेसेस द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जिसका स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर दिया हुआ है उसका फॉर्मूला तो दैट इज अ एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या मतलब हुआ इसका ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो का क्या मतलब,
फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। दैट इज मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये क्या होता है, ठीक है। सो दिस इज ए एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला, बहुत जगह फॉर्मूले लिखते हैं, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब जरा समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कहना चाहते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। सो एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, एग्जाम्पल किसका लेते हैं, ग्लूकोज का, ठीक है। सो ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। सो ग्लूकोज के एग्जाम्पल में क्या चीज है, जरा इसको नोटिस करते हैं। सो ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर देखोगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। अब ये जो चीज है आप इसको ध्यान दो, 6, 12 और 6, तो बचपन में जब नाइन्थ क्लास में थे तो हमको एक चीज सिखाई गई थी, क्या सिखाया गया था कि जब MgO का फॉर्मूला लिखते थे, एकदम एग्जैक्टली एग्जाम्पल याद करो कि जब MgO के लिए Mg2O2 आता था ना क्रॉस करने के बाद, तो हम बोलते थे यार 2:2 ये जो क्या है ना, ये कॉमन रेशियो है, इसको उड़ा दो, तो हम इसको फॉर्मूला लिख लेते थे MgO। तो बेसिकली हम करते क्या थे, हम यहाँ पे भी सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखा करते थे। सो ये जो ग्लूकोज का लेकिन फॉर्मूला, तो हम C6H12O6 लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, C H2O, मैं सबको चाहूं तो 6 से कैंसिल कर दूं सबको। तो देखो ये जो दो फॉर्मूला है, ग्लूकोज के दो फॉर्मूला, ये एंड ये, इन दोनों फॉर्मूला के लिए ये दोनों टर्म्स है, कैसे है भाई, कौन करके बैठे, ठीक है। चलो सो ये जो फॉर्मूला है, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, और इसको हम बोलेंगे दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, मतलब अगर आपको कहीं C6H12O6 लिखा हुआ मिल जाए तो आप आंख बंद करके बोलोगे भैया ये ग्लूकोज ही है। लेकिन कहीं आपको CH2O लिखा हुआ मिल जाए तो हो सकता है ग्लूकोज हो सकता है कोई और भी कंपाउंड हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो चीज क्या हो, ग्लूकोज ही हो। सो दिस वन इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये सिंपलेस्ट रेशियो में है, सिंपलेस्ट रेशियो इज लाइक 6:12 और 6 का सिंपलेस्ट रेशियो इज 1:2:1, 1 लिखते अपन नहीं है तो 2 लिख लिया, काम चला लिया। सो दिस वन इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख रहा हूं, दिस वन इज द एम्पेरिकल, ठीक है, एंड दिस वन इज द मॉलिक्यूलर। अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूँ क्वेश्चंस को आपको, उन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको लिख के दे रहा हूँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो सो कन्वर्ट दीज इन एम्पेरिकल फॉर्मूला, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत सिंपल से, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, बस एक प्रैक्टिस के लिए दिमाग में आ जाए चीजें उसके लिए है, ठीक है। सो सबसे पहला क्वेश्चन इज C2H2, बोला कि भैया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। पहले तो समझो कि C2H2 अगर आप 10th क्लास में सिलेबस से हटा दिया था, बट स्टिल अगर कार्बन एंड कंपाउंड पढ़े होंगे तो C2H2 को क्या बोलते हैं, जरा बताओ तो C2H2 का नाम क्या है जल्दी से, जिन लोगों ने कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ा होगा उनको तो याद होगा, जल्दी से मैसेज करके इथेन नहीं होता, मैसेज करके बताओ ये क्या है, ठीक है। मृगंक सही है, सनी सही है, ठीक है, ओके गुड। सो C2H2 इज इथाइन, इसका एक कॉमन नाम भी है, दैट इज एसिटिलीन, और एसिटिलीन कहाँ यूज होता है, जो गैस वेल्डिंग्स होते हैं उसमें इस कंपाउंड का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने जाए तो भैया कुछ नहीं करना, अपने को सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, दैट इज CH, ठीक है। सेकेंड C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला सुक्रोज, ठीक है, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है और टेबल सुगर का भी फॉर्मूला होता है, जिसको इसको नहीं ध्यान है उसके लिए मैं यहां लिख देता हूं सुक्रोज सुक्रोज एंड टेबल सुगर, ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला होता है। मुझे फटाफट से बताओ कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, ओके हर्ष वेरी गुड, स्क्रीन गड़बड़ हो गया, क्या हो गया उज्जवल स्क्रीन पे,
C12H22O11, ठीक है। चलो तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि भैया इसमें आप कोई भी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं ले सकते, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों ही सेम रहने वाला है, कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। सो ये उम्मीद करता हूं मैं कि आपको एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है तो बात की बात है, बट आई गेस डिफरेंस समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा जिसको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो कि भैया हमको डिफरेंस ही समझ में नहीं आया, ये तो जादू हो गया हमारे लिए, डिफरेंस ही समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है क्या है, मतलब नहीं पता, हमको तो पता ही नहीं है कि ये चीज क्या है। डन है, चलो ठीक है। सो ये कहानी हो गई एम्पिरिकल फॉर्मूला और अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच का डिफरेंस। अब बात आती है कि भैया ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, ठीक है। सो इसको ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो या नोटिस करो कि हमने इस फॉर्मूले को 6 से डिवाइड किया तो ये बन गया, हमने इस फॉर्मूले को 2 से डिवाइड किया तो ये बन गया। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखूं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, मैं यहां लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, थोड़ा शॉर्टकट है ईएफ एंड एमएफ। सो मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो इक्वल्स टू होता है एन मल्टीप्लाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। मतलब अगर मैं बात करूं तो जैसे ऐसे समझो कि इस वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये बन जाता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इस वाले को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो ये बन जाता, इस वाले को मैं 6 से डिवाइड करता तो ये बन जाता, इस वाले को 2 से डिवाइड करता तो ये बन जाता। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को किसी नंबर से डिवाइड करने पर एम्पिरिकल बन जाता है, और वो किसी नंबर कैसा हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर मॉलिक्यूलर बन जाता है, तो वो जो कोई नंबर है जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर बन जाता है दैट इज एन। इस केस में एन कितना होगा 6, इस केस में एन कितना होगा 2, इस केस में एन कितना होगा 1, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं अपन, ठीक है, सॉरी ओके। सो ये मैं रिलेशन लिख लिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। मुझे फटाक से बता दो कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया ये चीज मेरे को समझ नहीं आया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे हुआ। और मैं अब की बार यहाँ पे एन की वैल्यू लिखते जा रहा हूँ, दैट इज एन इक्वल्स टू 6, यहाँ पे अपने पास एन इक्वल्स टू 2 था, यहाँ पे एन इक्वल्स टू 1 था। अब ये एन क्या हो सकता है, सो देखो यहाँ एन के लिए मैं लिख रहा हूँ कि दिस एन मस्ट बी, ध्यान देना, दिस एन मस्ट बी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई नेचुरल नंबर ही होगा, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन। किसी को इसमें तकलीफ है तो मुझे बता दो कि भैया हमको इसमें तकलीफ है, समझ में नहीं आया, जादू हो गया, डन है क्या। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि मुझे फटाफट से आपको एक काम ये करना है कि इसका मोलर मास निकालना है, इसका मोलर मास निकाल के बताओ। सो इसका मोलर मास जब निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, सो इसका जो मोलर मास आएगा ऊपर वाले का दैट विल बी 180, ठीक है, नीचे वाले का अगर मोलर मास निकालोगे तो दैट विल बी बेटा 30, ये 30 और ये 180। अच्छा कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि मोलर मास में भी दोनों के डिफरेंस है, और कैसा डिफरेंस है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूले का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई सेम एन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मोलर मास, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूले का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई सेम एन इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मोलर मास। मतलब मोलर मास के लिए भी आप इस एन का प्रयोग कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक और भी रिलेशन लिखता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान देना, मोलर मास क्या हो जाता है, मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन इसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। किसी को भी इस पूरे कहानी में समस्या हो, ये जो लिखा है दो रिलेशन इसमें नहीं समझ में आया तो बताओ, और इन दोनों का फिर आगे हम यूज करने वाले हैं, पर इन दोनों में कोई चीज जो समझ में नहीं आई है इस वाले में भी आप अप्लाई करके देख सकते हो। चलो भैया अप्लाई करके देखो, इसका मोलर मास कितना आएगा 13, ठीक है, इसका मोलर मास देखोगे तो दिस विल बी 26, ठीक है।
सो 13 एंड 26, तो 13 इंटू 2 दैट इज 26. इस केस में तो भैया दोनों तरफ सेम ही आने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. सो मोलर मास का रिलेशन एम्पेरिकल और मॉलिकुलर का, और दोनों के फॉर्मूला के बीच का रिलेशन. इसमें किसी को तकलीफ है तो मुझे बता दो कि भैया इसमें तकलीफ है, हमको समझ में नहीं आया. डन है, मतलब मॉलिकुलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला में कोई समस्या नहीं है. अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बीच का रिलेशन. ठीक है, कि भैया परसेंटेज कंपोजिशन एम्पेरिकल फॉर्मूला से कैसे रिलेट होता है. दिस वन, ये टॉपिक, दिस टॉपिक इज थोड़ा सा, मतलब कह लो कि दिस इज थोड़ा काइंड ऑफ टिपिकल, थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा आपको बुद्धि लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपको सोच समझ के एक एक स्टेप चलने पड़ेंगे. ठीक है, सो अपन आते हैं नेक्स्ट, एंड दैट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला, ईएफ मींस एम्पेरिकल फॉर्मूला, एंड परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. अब आपको होगा क्या कि एक क्वेश्चन देगा, वो क्वेश्चन कैसा रहेगा, उसमें परसेंटेज कंपोजिशन बताएगा और आपको बोलेगा कि उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला आप निकालो. पहले आपको फॉर्मूला देख के परसेंटेज कंपोजिशन पूछा करता था, याद करो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला दे दिया, परसेंटेज कंपोजिशन पूछ लिया. अब आपको परसेंटेज कंपोजिशन दे देगा, फॉर्मूला पूछेगा, रिवर्स आना है आपको, वापस आना है आपको. ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर इस क्वेश्चन को देखो. इस क्वेश्चन में बोलता है क्या है कि कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन, 24.27% कार्बन, 71.65% क्लोरीन, एंड इट्स मोलर मास इज 98.96. बोलता क्या है कि बताओ, ठीक है, एक सेकंड, जस्ट मिनट. हाँ, बोलता क्या है कि व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, इस बात पे अपन थोड़ा सा नोटिस करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है. देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक बना बनाया सा स्टेप फॉलो करेंगे, बाद में इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, बहुत आसान शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन पहले एनसीईआरटी जिस स्टेप को बोलती है हम उस स्टेप को स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं. सबसे पहला काम है इसके स्टेप्स में लिखते जा रहा हूं. सबसे पहला जो आपको काम करना है, दैट इज आपको एजम्पशन लेना है कि कंपाउंड आपके पास 100 ग्राम है. आप कुछ भी ले सकते थे, एक्स भी ले लोगे, वन भी ले लोगे, चलेगा, लेकिन 100 ग्राम हमेशा बेस्ट कैलकुलेशन देता है. ठीक है, सो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एज्यूम जो भी आपके पास कंपाउंड है, एज्यूम कंपाउंड इज 100 ग्राम, या मास ऑफ कंपाउंड इज 100 ग्राम, बेसिकली, सॉरी, तो मैं इसको ऐसे क्या लिख सकता हूं, एज्यूम मास ऑफ कंपाउंड 100 ग्राम. पहला आपको काम यही करना है कि आपको 100 ग्राम उस कंपाउंड के मास को एज्यूम कर लेना. कर लिया, ठीक है. सेकेंड स्टेप में क्या है, अगर आपने 100 ग्राम एज्यूम कर लिया, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को नोटिस करो, इस क्वेश्चन को देख के चलते हैं. अगर 100 ग्राम एज्यूम कर लिया और हाइड्रोजन 4.07% है, तो 100 ग्राम का 4.07% हाइड्रोजन होगा, तो 100 ग्राम का 4.0% बोलो या उतना ही ग्राम बोलो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर 100 ग्राम आपके पास कंपाउंड था, तो 4.07% हाइड्रोजन का मतलब होगा 4.07 ग्राम हाइड्रोजन सीधे. ठीक है, सो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 100 ग्राम का अपने को फायदा है. ठीक है, सो यहाँ पे अपन कह सकते हैं नेक्स्ट, कैलकुलेट मास. अब अबकी बार आपको मास निकालना है, मास ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का मास निकालना है, ईच एलिमेंट. ठीक है, दैट इज सिंपल, सिंपली इक्वल्स टू परसेंटेज कंपोजिशन. आपको पता है कि भैया ये परसेंटेज कंपोजिशन के बराबर ही होगा, जैसे अभी 4% वाला था. सो कोई टेंशन ही नहीं है, बस कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेप दे दिया कि हाँ एक काम करना, बाकी उसके कोई यूज नहीं है. थर्ड स्टेप पे आते हैं. थर्ड स्टेप है आपके पास जो पुराना कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा सा अप्लाई करना है,
दैट इज उस मास को डिवाइड करना है मोलर मास से. गिवन मास को डिवाइड करो मोलर मास से, खेल खत्म. वहां पे क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा. बस यही तक आपका टिपिकल, उसके बाद कुछ है ही नहीं. ठीक है, सो यहाँ पे आप बोल लो ये याद करके रखना है आपने को. ठीक है, तो थर्ड कैलकुलेट मोल्स. जिसको कैलकुलेट मोल्स में समस्या, मोल कैलकुलेट करने नहीं आता, भाई परेशान मत हो, यहाँ एक ही फॉर्मूला लगने वाला है, मास बाई मोलर मास. ठीक है, मास आप ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके हो, दैट इज सिंपली परसेंटेज. मोलर मास तो पता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का ये, उसका वो, उसका वो, उसका वो. ठीक है, चलो. सो कैलकुलेट मोल्स कैसे करना है भैया, सो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, मास बाई मोलर मास. ठीक है, और सबसे लास्ट स्टेप है. ठीक है, सबसे लास्ट स्टेप है फोर्थ वन. टेक सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स फॉर ईच एलिमेंट. हर एलिमेंट के मोल का बस सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, आपके पास फॉर्मूला बन के तैयार है. स्टेप्स लिख दिया, भेजे में कुछ नहीं गया, अप्लाई करके देखते हैं, तब समझ में आएगा कि ये तो महाबकवास है, इस पे क्यों हम इतना माथा खराब कर रहे थे. चलो, सो इसी क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा इस पे अप्लाई करके देखते हैं. क्या बोला सबसे पहला स्टेप, बोला कि भैया 100 ग्राम ले लो. ठीक है, तो चलो भैया 100 ग्राम ले लिया हमने, 100 ग्राम कंपाउंड ले लिया हमने, कंपाउंड लिया 100 ग्राम. ठीक है, चलो अब इसमें हमको निकालना है कि मास ऑफ हाइड्रोजन कितना, मास ऑफ अपने पास दूसरा एलिमेंट क्या है, कार्बन कितना, सबका मास हमको लिख के चलना है. सो मास ऑफ कार्बन कितना, फिर मास ऑफ क्लोरीन कितना, और मास निकालने के बाद हम मोल्स निकालेंगे. चलो भैया तीनों के मास निकालो. हमको पता है 100 ग्राम लिए ही इसलिए था कि परसेंटेज मास बन जाए. हम लोग देखो मतलब कितने आलसी लोग हैं, हम एक्स लेके सॉल्व करते, एक्स बचपन से लेके सॉल्व करते, लेकिन ना 100 ग्राम लेंगे ताकि अपने को कैलकुलेशन ना करना पड़े. ठीक है, चलो. सो भैया अपने को अगर हमने 100 ग्राम ले लिया तो इसका परसेंटेज कितना, 4.07%, तो वही उसका मास हो गया 4.07 ग्राम. इसका मास हो गया 24.27 ग्राम, और इसका मास हो गया 71.65 ग्राम. मास तीनों के आ गए. अब तीनों के मोल्स लिखने हम अपने को. देखो क्या बोला था, पहले मास निकालो फिर मोल्स निकालो, थर्ड स्टेप इज मोल्स. ठीक है, तो तीनों के मोल्स लिखो. चलो भैया मोल्स लिखते हैं यहाँ पे. ठीक है, चलो मोल्स लिखते हैं. तो पहले हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर क्लोरीन. तीनों के मोल्स कैसे, मास बाई मोलर मास, और तो कुछ अपने पास है ही नहीं काम करने को. चलो भैया मास इसका कितना है, 4.07 डिवाइडेड बाई 1, एक ही तो मास होता है हाइड्रोजन का. कार्बन का 24.27 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइडेड बाई 12, एंड दिस वन इज 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5. तीनों के मोल्स आ गए. अब क्या है लास्ट स्टेप, तीनों का सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो ले लो. सिंपलेस्ट रेशियो मतलब होल नंबर में रेशियो आना चाहिए. यहाँ पे आपका मैथ्स टोटली टेस्ट होगा, टोटली आपके मैथ्स का टेस्ट है और कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो भैया तीनों के मोल्स का रेशियो ले रहा है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ रेशियो ऑफ मोल्स, तीनों के मोल्स का रेशियो. किन तीनों के मोल्स का रेशियो भैया, सो अपने पास हाइड्रोजन इज टू कार्बन इज टू क्लोरीन, इन तीनों के मोल्स का रेशियो अपने को लेना है. ठीक है, चलो भैया लेना शुरू करते हैं. सो हाइड्रोजन अपने पास कितना है, 4.07 डिवाइडेड बाई 1 इज टू 24.27 डिवाइडेड बाई 12 इज टू 71.65 डिवाइड बाय 35.5. जब इन तीनों को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, जब इन तीनों को आप सिंपलेस्ट रेशियो लीजिएगा. अब यहाँ पे पूरा मैथ है, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स है, बट है नहीं एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स. क्यों नहीं है कॉम्प्लेक्स मैं बता दे रहा हूँ आपको. इसको सॉल्व करने के लिए इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करना बिल्कुल आसान है, आपको आइडिया लग जाएगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी ले सकते हो. ठीक है, ये ध्यान से देखो तो ये 2 आएगा, ये ध्यान से देखो तो लगभग ये भी कितना आएगा, 2 आएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा. तो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो अप्रोक्सीमेशन लेके. सो एग्जैक्ट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा. सो ये जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4:2:2:2. ठीक है, और इसको और सिंप्लीफाइड करके देखोगे
सो भैया ये अपने पास कितना आ गया, 2:1:1। सो आपके पास फॉर्मूला बन के तैयार है। क्या फॉर्मूला आपके पास बन के तैयार है, तो हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन का रेशियो है 2:1:1। अब क्या जीवन में कष्ट है, तो जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है, तो अपने को यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं कि भैया कौन सा फॉर्मूला। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला, सो यहाँ एम्पेरिकल फॉर्मूला अपन लिखते हैं क्या होगा। सो कार्बन हाइड्रोजन अच्छा लगता है देखने में, इसलिए कार्बन पहले लिखा। सो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, तो कार्बन इज 1, क्लोरीन इज 1, हाइड्रोजन इज 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं C1 लिखना है तो लिखो, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, 2Cl1। तो ये आपके पास कहानी हो गई। मैं फिर से स्टेप्स रिपीट करता हूँ। सबसे पहला काम था अपने पास एजम्पशन लेना, 100 ग्राम ले लिया, सबके इंडिविजुअल मास लिख लेना, तो कि परसेंटेज के बराबर ही होगा, लिख लिया। फिर सबके मोल्स लिख लेना, कैसे मोल्स लिखा, उनके मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स लिख लिया। फिर इन सारे एलिमेंट्स के मोल का रेशियो ले लिया, ठीक है, काम बन गया। रेशियो में अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, कोई मना नहीं, एग्जैक्ट सॉल्व करो तो तुम्हारी मर्जी, बट अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर सकते हो। अब ये रेशियो ले लिया, इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लिया, जो भी आंसर आया, तो अपने पास कितना क्या आ गया आंसर, हाइड्रोजन का 4, कार्बन का 2, क्लोरीन का 2, 2:1:1। इसको सिंप्लीफाई किया तो फॉर्मूला बन गया अपने पास C1H2Cl1। सो ये अपने पास आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर पे बात करेंगे, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने पास रेडी है। कितने लोग ऐसे हैं जिसको पल्ले नहीं पड़ा, जल्दी से बता दो, हमको तो पल्ले नहीं पड़ा, मैसेज में बता दो जल्दी से। अगर हैंड रेस करने में ऐसा लगता है कि भैया हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हम ऐसे नहीं है कि हम बोल पाए, बोलो। लेंदी है ये मैं मानता हूं, लेकिन आसान है ये भी उतना ही सच है। अभी तक मैं इस पे नहीं गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे नहीं गया, बस एम्पिरिकल फॉर्मूला पे बात किया हम लोगों ने। सर क्वेश्चन में दिया हुआ इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम, सर तो उसका यूज कहां हुआ? अभी तो मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना, मॉलिक्यूलर मास में उसका यूज करेंगे ना अपन। ओके सर, और ये बात भी हमेशा जरूरी थोड़ी होती है, क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसका यूज करें, बट हां ये मॉलिक्यूलर मास में यूज होगा। हाँ जी, चलो, तो यहां तक कहानी हो गई एम्पेरिकल फॉर्मूले की। अब अपन बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकाले। यार अभी जस्ट एक रिलेशन देखा था, क्या रिलेशन हमने बुला लेनी, जस्ट एक रिलेशन हम लोगों ने अभी पढ़ा था, उस रिलेशन का अब यूज करने वाले हैं। क्या रिलेशन पढ़ा था हमने, एक रिलेशन पढ़ा था कि मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओ सॉरी यहाँ पे तो एन लिखना ही भूल गया था मैं, मल्टीप्लाइड बाय एन, ठीक है। सो मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन, ठीक है। सो बस अब इस रिलेशन का यूज करते हैं, अपने को एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, मोलर मास अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का दिया हुआ है, रेशियो अपना काम बन जाएगा, वहां से एन निकल जाएगा। चलो, तो अपने को यहाँ क्या करना है, अपने को ये एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है, इसका मोलर मास तो लिख ही सकते हो। चलो, सो मोलर मास इसका लिखते हैं कि इसका मोलर मास क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूले का, फटाफट से इसका निकालो मोलर मास कितना होगा, तो दैट इज 12+1+35.5, ठीक है, ध्यान दे लो यहाँ पे। सो दैट विल बी कितना हो गया, 48.5 हो गया क्या, ठीक है। सो दिस विल बी 48.5, लगभग मोटे तौर पे आ गया 48.5। ये किसका मोलर मास आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूले का। अच्छा देखो, एम्पेरिकल का मोलर मास आ गया, मॉलिक्यूलर का दिया हुआ है, एन नहीं निकल जाएगा, उस फॉर्मूले का यूज कर रहे, ठीक है। 12+2 ना, H2 है। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी, माय बैड, सॉरी, ठीक है। तो 12+2, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 49.5, माय बैड, ठीक है। तो ये हो गया 4, तो हाँ ये लगभग हो गया 49.5, ठीक है। चलो, सो ये अपने पास क्या आ चुका है, ये अपने पास आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूले का मोलर मास। अब रिलेशन लगाते हैं, रिलेशन क्या बोलता है, सो बोलता है कि मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय एन इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब इस रिलेशन को लगा लेते हैं फटाफट से, यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। चलो, तो एन इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है, 49.5, तो दिस इज 49.5 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, अपने को 98 समथिंग दिया हुआ है, दैट इज 98.96 दिया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली अब यहां पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हमको लेना पड़ेगा, सो इस दोनों को डिवाइड करोगे दैट विल बी 2। सो यहां से n की वैल्यू मोटे तौर पे 2 आ चुकी है,
अपना काम बन गया है, एन की वैल्यू टू आ गई, अब अपने जीवन में कष्ट ही क्या है, ठीक है, एन की वैल्यू टू आ गई। अब दूसरा वाला रिलेशन लगाओ, दूसरा वाला रिलेशन इन दोनों के बीच में क्या था, देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलो भैया एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने को पता है, दैट इज CH2Cl2। सो हम इस वाले रिलेशन को लगा लेते हैं, सो हम बोलेंगे कि मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, फाइन। चलो अपने पास मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं पता, एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में अपन सोचते हैं, ठीक है। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एन की वैल्यू कितनी आई है, टू, जो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था टू। एम्पेरिकल फॉर्मूला है क्या, CH2Cl, टू से इसको मल्टीप्लाई किया, जो पहले करते थे अपन ग्लूकोज के लिए 6, एसिटिलीन के लिए 2, तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया, C2H4Cl2। ये जो 2 है ये यहाँ जाके C के साथ लगा, H के साथ लगा, Cl के साथ लगा, तीनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, अपने पास फाइनल फॉर्मूला बन के आ गया, दैट इज C2H4Cl2, अपना काम बन गया। सो अपने को जो आंसर चाहिए था वो आ गया, दैट इज मॉलिकुलर फॉर्मूला भी आ गया अपने पास, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी रेडी है। अब नो डाउट ये क्वेश्चन जो था वो लेंदी है, सॉल्व करना लेंदी है, ठीक है, लेकिन करना पड़ेगा बाबू, कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे गजब की चीज ये है, इससे सबसे अधिक क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं। स्कूल के एग्जाम में इस टॉपिक को बहुत पूछा जाता है, मतलब स्कूल के टीचर्स का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, 3 नंबर 4 नंबर में ये क्वेश्चंस दे देते हैं। तरीका बहुत सिंपल है लेकिन लेंदी है, इसलिए दिक्कत होता है। बाकी किसी को समस्या है तो बताओ, फिर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसके बाद लास्ट में जब ये सब सॉल्व हो जाएगा तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो शॉर्ट ट्रिक को लगाओगे तो इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर का पूरा पोर्शन है ना वो एक लाइन में सॉल्व है, एक लाइन में, बट अभी प्रॉपर प्रोसीजर। किसी को तकलीफ है यहां तक समझ में नहीं आया तो जल्दी से बता दो, शॉर्ट ट्रिक आप स्कूल के एग्जाम में नहीं लगा सकते, और वो शॉर्ट ट्रिक हमेशा एप्लीकेबल होगा। किसी को यहां तक समस्या है तो फटाफट से बता दो कि भैया हमको समस्या समझ में नहीं आया, जादू हो गया। कोई ऐसा जिसको ये जादू हो गया, मृगंक क्या बोल रहे, अच्छा पहले का आंसर था, ठीक है, ओके चलो। तो ये आपके पास कहानी हो गई एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिकुलर फॉर्मूला की, भाई रिशु क्या कर रहा है, चलो ठीक है इसको मैं हटा दूं, क्या करते हो यार, चलो ठीक है। सो हम फटाफट से अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे, और भी क्वेश्चंस पे, तो मैं स्क्रीन मैं क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, एक बार ट्राई करो, एक क्वेश्चन यही ट्राई करो, और उसके बाद जो क्वेश्चन वो घर पे ट्राई करना, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे ट्राई करो, आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, लेंदी जा सकता, तो आराम से प्यार से ट्राई करो और मुझे बताओ किसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, शुरू हो जाए। एम्पेरिकल फॉर्मूला फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला बोलता क्या है, एक कंपाउंड है जिसमें 50% सल्फर है, 50% ऑक्सीजन है, और कंपाउंड का मोलर मास 64 है। तुक्का मत मार के आंसर निकाल देना कि हाँ अच्छा सल्फर ऑक्सीजन का ये कंपाउंड होता है, मेजर करके देख लेते हैं ये आंसर होगा, वो काम मत करना, ठीक है, प्रॉपर सॉल्व करो इसको तभी, क्योंकि क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं ना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आसान है, करो सॉल्व। बोलता क्या है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों कैलकुलेट करके आप फटाफट से बताइए मुझे। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है,
तरीका मैंने बताया है, 100 ग्राम लो, 100 ग्राम लेने के बाद जो परसेंटेज है वही मास हो जाएगा, उस मास को कन्वर्ट करो मोल्स में, फिर उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो। रेशियो लेने में दिक्कत तो होगा, अगर किसी को मैथमेटिकली दिक्कत है, मैथ सॉल्व करने में समस्या आता है रेशियो प्रोपोर्शन में, तो दिक्कत हो सकता है, तो उसका भी एक तरीका बताऊंगा। पिछला वाला थोड़ा लेंदी टाइप था सॉल्व करना, बाकी उसका तरीका भी है, बहुत तरीके हैं, पता है अभी ऐसे अप्रोक्सीमेशन ले लो, थोड़ा आइडिया ले लो अप्रोक्सीमेशन का, काम खत्म, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। उज्ज्वल बाबू गलत है, सनी सही है, श्रेयांश सही है, दो लोगों ने सही आंसर भेजा है, बाकी अभी तक तो किसी ने नहीं भेजा। हर्ष सही है, वेरी गुड, गुलशन ठीक है, ओके, लेकिन फॉर्मूला लिखो, रेशियो इज ठीक है बट फॉर्मूला लिखो। चलो ठीक है, तो इसको मैं फटाफट से सॉल्व कर दे रहा हूं क्योंकि अपने पास टाइम काफी कम बचा हुआ है। चलिए, सो अपने पास एजम्पशन हमको पता है, तो हम यहाँ पे मैं सॉल्यूशन इसका कर रहा हूँ, ठीक है, तो फटाफट से अपन सॉल्यूशन करते हैं। एज्यूम 100 ग्राम, सिंपल वही कहानी, एज्यूम 100 ग्राम, मैं ये इतना डिटेल्स में लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्कूल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। सो 100 ग्राम का एजम्पशन ले लिया, सो मास ऑफ सल्फर कितना आया एंड मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, दोनों अपन लिखते हैं फटाफट से। सो मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज सिंपली द परसेंटेज, तो भैया ये हो गया 50 ग्राम, ये भी हो गया 50 ग्राम, ठीक है, सो ये भी हो गया 50 ग्राम। फिर दोनों के मोल्स लिख लेते हैं, ठीक है, सो दोनों के मोल्स लिख लेते हैं, और मोल्स विल बी सल्फर का एंड ऑक्सीजन का, ठीक है, सो सल्फर और ऑक्सीजन के मोल्स लिखते हैं। सल्फर का मोल्स कितना हो जाएगा, तो 50/32, एंड ऑक्सीजन का हो जाएगा 50/16। याद रखना ये एटम का हम हमेशा यहाँ मास लेते हैं, यहाँ हम एटम का या एलिमेंट का मास लेते हैं, O2 का मास 32 मत ले लेना कभी, ठीक है, हम हमेशा एलिमेंट का मास लेंगे, ओके। चलो अब अपन लिखते हैं इसका इम्पेरिकल फॉर्म, लिखते हैं रेशियो, तो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो लिखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, तो सल्फर वर्सेस ऑक्सीजन का सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा अपने को, सो जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है, गुलशन ठीक है, उज्ज्वल ठीक है, तो सल्फर का दैट इज 50/32 इज टू ऑक्सीजन का 50/16। अब देखो ये देख के तो लग रहा है यार कि काम बन जाएगा, कैसे, देखो रेशियो जब भी लेना है तो एक तरीके से क्या है, डिविजन ही है और तो कुछ है नहीं, तो तुम सोच के देखो ना कि 50/32 इस होल को डिवाइड किया 50/16 से, कुछ बड़ा काम है, तीन चार था तो दिक्कत भी था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ये 50/50 गया, ये 16 × 2 गया, और देखो इसका आंसर क्या जाएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि ये 32 नीचे आएगा और 16 ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर इसमें भी समझ नहीं आया तो रुको, मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, 50/32 × 16/50, रेशियो तो यही होता है ना, आपको तो कुछ होता नहीं है, ये गया 16 × 2, ये ऊपर चला गया था वही लिख लिया, तो दैट इज द 1/2, ठीक है, तो ये क्या आ गया 1/2, मतलब रेशियो अपने पास क्या आएगा 1:2 आएगा, किसका, सल्फर और ऑक्सीजन का, तो फॉर्मूला अब क्या सोचना है अपने को, सो अपन यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, सो एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा भैया, सो एम्पेरिकल फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा S1O2, दैट इज सिंपली SO2, ठीक है, तो S1O2 लिखो या SO2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, मॉलिकुलर फॉर्मूला अपने को चाहिए, चलो भैया, सो एम्पेरिकल फॉर्मूले का मोलर मास निकालो, तभी तो मॉलिकुलर फॉर्मूला निकाल पाओगे, ठीक है, ताकि n निकल जाए, तो चलो भैया यहाँ n कैलकुलेट करने के लिए हम इसका मोलर मास निकालते हैं, ठीक है, सो इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना आएगा, सो भैया देखो ये कैलकुलेट करके 32, एंड ये ऑक्सीजन का 2, तो 16 × 2 32, तो 32 + 32 दैट इज 64, ओम यहाँ तो हो गया, ये तो 64 ही दिया हुआ था, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी मास और इसका भी मास, एम्पेरिकल और मॉलिकुलर दोनों का मास सेम है, मतलब n की वैल्यू 1 है, मतलब दोनों क्या है कंपाउंड, दोनों का फॉर्मूला भी क्या रहेगा सेम रहेगा, तो यहाँ बोल सकते हैं यहाँ से कि मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होगा
मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होगा वो भी क्या रहेगा, SO2 ही रहेगा। याद करो एक जो एग्जांपल लिया था सुक्रोज का, सुक्रोज की कहानी कैसी थी, एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों एग्जैक्टली क्या थे, सेम थे। सो यहां तक कहानी हो चुकी है एम्पिरिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला की। किसी को समस्या है, तकलीफ है, जादू हो गया तो पूछ लो, बाकी अब कुछ नया नहीं अपन पढ़ रहे हैं। अब बस डाउट होगा, जिसके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स पूछ लेना, बाकी अपन कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिसका जिसको लगता है कि नहीं अब ठीक है हो गया डन, डाउट नहीं है, पुराने क्वेश्चंस पे कोई डिस्कशन नहीं है तो जा सकता है, बाकी अब यहाँ सिर्फ डाउट सेशन चलेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में डाउट, कहीं भी डाउट, कुछ भी डाउट, तो अपने डाउट पूछिए अब, ठीक है। कुछ नया नहीं बता रहे हैं अपन। होमवर्क है, एक सेकंड होमवर्क होल्ड कर लो, होमवर्क ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क ले लो, आराम से घर पर ट्राई करना। इसका ले लो, ये 2002 JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है लेकिन, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड पे एक बार जाइए, मुझे स्क्रीनशॉट लेने, ठीक है। डन सर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, ले लो, अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे नोट्स में भी रहेगा, ऑब्वियस नोट्स में अपलोडेड रहेगा, तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता तो नोट्स से भी देख सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, अच्छा है, क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है, चलो सॉरी। तो ये अपने पास कहानी हो गई एम्पिरिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला की, ठीक है। अब जिसके इसके जो डाउट्स हैं, किसी ने उस समय बोला था लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस हुए थे उसके बारे में डिस्कस करने के लिए, किसने बोला था भाई? सर मैं हर्ष, हर्ष, ठीक है। चलो तो मैं लास्ट क्लास के क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ, बात करते हैं उस पर, मैं एक बार समझाता हूँ उसको, ठीक है, देखते हैं उसमें क्या क्या अपन कर सकते हैं। चलो सो फटाफट से मैं उन क्वेश्चंस को निकाल रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। बाकी क्लास आज की ओवर हो चुकी है, अब डाउट्स हैं, जिसके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स अपने पूछ के जाना। ओके, ठीक है, सो फाइन, ठीक है। सो यार देखो, इसका आंसर समथिंग विल बी 6.8 के आसपास आएगा। कैसे सॉल्व होगा, सो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन, इसका लिख दे रहा हूँ। 60 एटम है 12 mm वाले, 40 एटम है 14 mm वाले, ठीक है। सो एवरेज मास का फॉर्मूला लगा लो, एवरेज मास का फॉर्मूला दैट इज n1 plus n2 वाला कहानी, वही क्लास वाली भी एग्जाम्पल ले सकते हो। क्लास में दो ग्रुप है, एक ग्रुप में बच्चों का मास है 12, 60 बच्चे हैं, एक ग्रुप में 14, 40 बच्चे हैं, ठीक है। तो 60 × 12 + 40 × 14 / 60 + 40, तो ये अप्रोक्सीमेटली सॉल्व, नहीं अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली कुछ 6.8 के लगभग आ जाएगा, ठीक है। आई गेस जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा वो बता सकते हैं 6.8 के लगभग ही आ रहा है आंसर। यार आंसर रटा हुआ नहीं होता मेरे को, तो बोल सकते हो। ऋषंग बोला है शॉर्टकट के बारे में, ऋषंग उन क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लो, फिर मैं शॉर्टकट अगली क्लास में समझा दूंगा। या डीए या लास्ट में 12.8 आ रहा है, अच्छा सॉरी ये 12 है ना, माय बैड 12.8, मैं गलती लिख गया, सॉरी यार, हाँ ये 12 था ना, मैं 6 वाला लेके चलता, हाँ ठीक है 12.8, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है चलो, हाँ ठीक है 12.8, वो गलती से लिख गया। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सो इस कहानी में है, बोलता क्या है कि 30 एटम्स हैं 6 mu के, 370 हैं 7 mu के, सेम कहानी सेम तरीके से सॉल्व करना है। तो 6 × 30 + 370 × 7 divided by 400 approximately I guess 6.95 के आसपास आना चाहिए इसका आंसर। Yes sir, सही है, ठीक है 6.95 के पास आंसर आना चाहिए, ठीक है चलो। ओके तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करना है, तो देखो ध्यान दो, आपके पास अब की बार क्या देखो, परसेंटेज अबंडेंस का मतलब सेम कहानी है, फॉर्मूला वही लगने वाला। सो एवरेज मास आपको दे दिया है, आपको Fe54 का दे दिया, आपको Fe54 का पूछा है, 58 का पूछा है, कितना कितना होगा। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, मान लिया कि ये X% रहा होगा, तो ये कितना रहेगा मुझे फटाफट से बताओ,
हमको पता है कि सबका परसेंटेज का सम 100 होता है। सो अगर 54 वाला x है, 57 वाला 50 है, तो भैया ये डेफिनेटली 50 माइनस x रहा होगा, तभी तो तीनों को सम करेंगे तो 100% आएगा, चलेगा क्या? यस सर। ठीक है चलो। सो अब इसको सॉल्व करो फटाफट से। तो अपने को फॉर्मूला पता है क्या है, परसेंटेज इंटू मास परसेंटेज। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एम एवरेज का फॉर्मूला क्या है था, सो पी वन एम वन प्लस पी टू एम टू अप टू जो जो दिया हुआ है डिवाइड बाई पी वन डिवाइड बाई 100। ठीक है तो बस इस फॉर्मूले को लगा लेते हैं अपन फटाफट से यहाँ पे। सो एवरेज मास है 56 लिख लिया। ठीक है परसेंटेज कितना दिया हुआ है अपने को पहला वाले का x, मोलर मास है 54 प्लस दूसरे वाले का परसेंटेज है 50, मोलर मास है 57 प्लस तीसरे वाले का परसेंटेज 50 माइनस एक्स, मोलर मास है 58 डिवाइडेड बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो मुझे एग्जैक्ट नहीं है बट काइंड ऑफ एक का आंसर आएगा 35.5 शायद और एक का 13.5 कुछ इस तरीके से, या 32.5 12.5 ऐसे कुछ आता है। किसने सॉल्व किया है क्या? कुछ इसी तरह का आंसर आता है 33.5 या 32.5, हाँ अच्छा 37.5 एंड 12.5। ठीक है सन्नी, हाँ बिल्कुल ठीक है। सो इसमें से एक का आंसर आ जाएगा दैट इज 37.5, मतलब x आई गेस इसका आएगा 37.5। ठीक है तो अगर एक का मान लो जो भी है, अगर x की वैल्यू इस वाले को सॉल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, ये x की वैल्यू निकालो। ठीक है तो x क्या है आपके पास 54 वाले का परसेंटेज, ये कैसे निकलेगा तो 50 माइनस एक्स कर लो, चलेगा क्या? जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है या जिनका नहीं हो पाया उनको चलेगा? यस सर। ठीक है चल नेक्स्ट पे आते हैं। सेम उसी तरह का है ये भी, कुछ भी अलग नहीं है, सेम वही कहानी उसी तरह की कहानी है। हो सकता है और इस सेम फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज अबंडेंस एवरेज दिया हुआ है, आपसे पूछा हुआ रिलेटिव, आपको किसी एक का पूछा हुआ है कि एक का मास कितना होगा। ठीक है तो सेम कहानी, एक का मास एक्स मान लो, तीनों का परसेंटेज दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, काम खत्म। तो ऐसे है 24 इंटू से, देखो इसका कुछ ऐसे लिख के आएगा 24 इक्वल्स टू 24 इंटू 78 प्लस 25 इंटू 10 प्लस 30x इंटू 12। ठीक है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है तीन आइसोटोप से, एक का मास 24, एक का मास 25, एक का मास नहीं पता x मान लिया, 24 वाला 78%, 25 वाला 10% और x वाला 12% और तो एवरेज है 24, यहाँ दिया हुआ एवरेज मास 24, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, काम खत्म, चलेगा क्या? x will be I guess 23। ठीक है चलो। ठीक है सेम तरीका इसमें भी लगाओ के आपको सॉल्व कर लेना, कुछ अलग नहीं है। ठीक है चलो ओके। तो यहाँ से तो आपके पास ये स्टार्ट हो गया, डन है। सो यहाँ तक आपके पास लास्ट क्लास तक की कहानी है और आज की कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत हो कुछ भी हो तो नेक्स्ट क्लास में आप आज की चीज़ें जो समझ में नहीं आई हैं अगली क्लास में आप स्टार्ट में ही पूछ लीजिएगा, उस पर बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। होमवर्क जो है वो देखते हैं या लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, स्टार्ट में कर लेंगे, जैसा कन्वीनियंट होगा। ठीक है ओके सर बाय। चलो ठीक है ओके बाय बाय एवरीवन। ठीक है जाओ खाना पीना खाओ, एंजॉय करो, बाय बाय। ठीक है मस्त मस्त खाना बनाओगा घर पे, एंजॉय करना है, खाना है सोना है और क्या। ठीक है चलो जाओ बाय।